The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन, यह आप ही का चैनल है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में कई लोग नहीं जानते, लेकिन ये आपके आसपास हो सकता है, आपके फैमिली में भी मौजूद है। दिस इज नथिंग बट मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और आप लोगों में से आधे से ज्यादा लोग इसके थ्रू गुजर रहे हैं इस वक्त भी। सो बात करते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है। ये मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, ये तो आप समझ गए, लेकिन ये क्या चीज़ है आज इसके बारे में समझेंगे। सो इस चैनल पे दी गई सारी जानकारी बहुत ही ऑथेंटिक होती है, ट्रस्टेड सोर्सेस से ली जाती है, और आप अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा इसे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और बात करते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये एक टाइप, ये एक्चुअली बीमारी नहीं है, इट्स ए ग्रुप ऑफ रिस्क फैक्टर्स, यानी कुछ बीमारियों का, कुछ कंडीशंस का ग्रुप है जिसके वजह से आपके आगे चल के हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक और डायबिटीज के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे अगर आपको ये कंडीशंस हैं, ग्रुप ऑफ रिस्क फैक्टर्स हैं, और काफी सारे लोगों में ऑलरेडी हैं। तो क्या है ये, क्या ग्रुप है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम को बोला जाता है कि आपके अंदर विसरल ओबेसिटी, यानी मोटापा काफी ज्यादा है। विसरल यानी अंदरूनी मोटापा, जो आपके ऑर्गन्स के आसपास होता है, वहां पे विसरा यानी ऑर्गन, आपके ऑर्गन्स जो हैं उसके आसपास की चर्बी ज्यादा है, ना सिर्फ बाहर, अंदर भी चर्बी चर्बी है, उसी के वजह से भी होती है, और वैसे भी हो सकती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ट्राइग्लिसराइड, लो HDL कोलेस्ट्रॉल। सो ये दोनों मिला के हो गया कि डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, ये दोनों मिला के डायबिटीज एंड मोटापा, ये दोनों के रिस्क फैक्टर्स आपके चल के मेटाबॉलिक सिंड्रोम करते हैं। सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये है, इसका कॉज क्या है? अगर हम इसे एपिडेमियोलॉजिकली देखेंगे, स्टडीज में देखेंगे, इवन यूएस के अंदर भी, मतलब इंडिया के अंदर इतनी स्टडीज नहीं होती जितनी यूएस में होती है इस तरीके की, तो यूएस के एग्जाम्पल में देखोगे तो 25% यूएस के लोग, अमेरिकन जो है, इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम से अफेक्टेड है, यानी कि 4 में से 1 अफेक्टेड होगा, राइट? और आप इंडिया में देखोगे तो 50% तक लोग अफेक्टेड हो सकते हैं, राइट? नॉट जस्ट दैट, बट यस, बैड लाइफस्टाइल आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपके है। सो डॉक्टर्स जो हैं, ये इस सोच में हैं कि इसका कोई एक सिंगल कॉज है या ये मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, मल्टीपल चीजें हैं, पूरी जीवन शैली है। ऑब्वियसली ये जीवन शैली से रिस्क फैक्टर है, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ओबेसिटी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है मोटापा। जी हाँ, मोटापा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेनी पीपल जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ग्रसित हैं, उनके अंदर प्री डायबिटीज, अर्ली हाइपरटेंशन, माइल्ड डिसलिपिडीमिया, हाई फैट्स इन ब्लड, ये पाए जाते हैं। जी हाँ, ये बहुत कॉमन है, आपके ब्लड रिपोर्ट्स में पाए जाते हैं। डॉक्टर ने आपको बोला लाइफस्टाइल करेक्ट करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, सलाद खाओ, अभी दवाई की जरूरत नहीं है, मगर आप इस कैटेगरी में आते हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम शुरू हो गया है आपका। सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है एक्स्ट्रा वेट। क्या आपको एक्स्ट्रा वेट है? क्या आपका भी शेप इस प्रकार का हो चुका है? अगर आप देखें, मेल्स का वेट जो है वो कुछ इस प्रकार से पियर शेप्ड, एप्पल शेप्ड चला जाता है, या एप्पल शेप्ड है, ये पियर शेप्ड है, तो एप्पल शेप जो है आपका, मेल्स का वेट इस प्रकार से बढ़ता है और फीमेल्स का वेट इस प्रकार से बढ़ता है। सो मेल्स का एप्पल शेप्ड है और फीमेल्स का भी बढ़ जाता है। इसके अलावा जो सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, वो भी एक रिस्क फैक्टर में आएगा। उम्र के साथ भी इंसुलिन रेजिस्टेंस और मोटापा और सेडेंटरी लाइफस्टाइल या इनएक्टिविटी हो जाती है। और बहुत इंपॉर्टेंट, जेनेटिक्स भी इसके फैक्टर हैं। फैमिली में सारे के सारे मोटे हैं, सारे के सारे वर्कआउट करते हैं, तो आप भी वर्कआउट करते हैं, घर पे जो चलता है खाना वही आप खाते हैं, सब मोटे हैं तो सब मोटे हैं, सब पतले हैं तो सब पतले हैं। सो दिस इज द थिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, मोटापा, एजिंग, जेनेटिक्स, एंड देन एक्चुअल हार्मोनल चेंजेस। जी हाँ, हार्मोनल चेंजेस कॉन्ट्रीब्यूट, बट दे आर नॉट द सोल रीजन, अकेले कारण नहीं है वो, कंट्रीब्यूट करेंगे मेल्स, फीमेल्स, स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस में रहते हैं, कॉर्टिसोल्स हैं, मोटा करेंगे आपको, कोई बीमारी हो गई, कोरोना हो गया, स्टीरोइड ले लिए, मोटा करेंगे आपको, सो थिंग्स आर देयर विच विल एड अप टू दिस, तो आपको उसको भी डील करना पड़ेगा। सो कंडीशंस विच आर लिंक्ड टू मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है
तो इस बीमारी इस कंडीशन से आगे चल के आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, आपके रिस्क ऑफ इंक्रीजिंग ब्लड क्लॉट्स, आपके ब्लड क्लॉट्स बढ़ सकते हैं जो आगे चल के ब्रेन में जाके स्ट्रोक कर सकते हैं, आपके ब्लड के अंदर इन्फ्लामेटरी मार्कर CRP लेवल्स बढ़े हुए आएंगे, CRP हाई आ जाता है, HSCRP या CRP वो भी रिस्क फैक्टर बढ़ा देता है इन्हीं बीमारियों के, और अल्ब्यूमिन यूरिन में आने लगता है, माइक्रो अल्ब्यूमिन यूरिया, जो बताता है कि आपकी किडनीज भी डैमेज हो रही है, राइट, बिकॉज ऑफ ऑल दीज कंडीशंस। सो ऐसे साइंस को इग्नोर नहीं करना है, आपके डॉक्टर जो हैं एग्जामिन करेंगे आपके ब्लड टेस्ट को देख के, आपके ब्लड शुगर लेवल, आपके कोलेस्ट्रॉल, आपके ट्राइग्लिसराइड्स, इनसे पता चलेगा कि आप इस कैटेगरी में आते हैं कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम शुरू हो गया है, यानी विसरल ओबेसिटी है, वजन ज्यादा है, बीपी थोड़ा सा ज्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, एलडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल कम है। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और सिम्टम्स भी आ सकते हैं, हो सकता है आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है वो ज्यादा रहता हो, नॉर्मल आदमी का 100 रहना चाहिए, आपका हो सकता है 125 तक रहता हो, किसी किसी का 130 रहता है, 140 रहता है, दे आर ऑल्सो इन दैट मेटाबॉलिक सिंड्रोम कैटेगरी, ऑल्दो उस कंडीशन में मे बी डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस विल करेक्ट इट, बट देन यू आर इनटू दैट कैटेगरी, सो यू हैव टू नो इट, इफ यू डोंट एक्सेप्ट इट देन यू कैन नॉट करेक्ट इट, राइट। ब्लड प्रेशर आपका 130/80, 130/90 ऐसा रहता है या इसके आसपास रहता है, इससे हाई रहता है, स्टेज 1 हाइपरटेंशन हम इसे कहते हैं, 130/90 1 के नीचे या उसके आसपास, अगर 140 के ऊपर हो गया दवा लेनी पड़ेगी, अगर 130 के नीचे है यू कैन करेक्ट योर लाइफस्टाइल, स्टार्ट योर लो सॉल्ट डैश डाइट और एक्सरसाइज, कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग, लूज योर वेट, सो देयर आर थिंग्स जो आपके डॉक्टर छोटे में बोलते हैं, जाओ वजन कम करो बस खत्म, एंड यू डोंट रियली, उन्होंने स्ट्रेस नहीं दिया तो आप भी स्ट्रेस नहीं देते, यार छोड़ कुछ नहीं हुआ, आई एम फिट, खाओ पियो ऐश करो, नो, डोंट डू दैट। अगर आपकी भी इस प्रकार के वजन वेस्ट ज्यादा है, आपकी वेस्ट ज्यादा है फॉर मेन, अगर आपकी 40 इंच से ज्यादा वेस्ट है, फीमेल्स की 35 इंच से ज्यादा वेस्ट है, और जो एशियन एंसेस्ट्री से है तो उनके लिए थोड़ा 5-5 कम हो जाती है वेस्ट, वो तो भी रिस्क बढ़ जाएगा आपका। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल अगर आपका 40 से कम है और फीमेल्स में 50 से कम है तो दैट मीन्स यू हैव अ बिग रिस्क हियर, मतलब आपको बहुत जरूरी है अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करना। ट्राइग्लिसराइड लेवल्स अगर आपके 150 से ज्यादा है, दवाई लेते हैं नहीं लेते हैं डजंट मैटर, आपको अपनी लाइफस्टाइल करेक्ट करनी पड़ेगी। अगर ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बढ़ जाना इज नॉट रियली अ वेरी बिग फैक्टर, रिसर्चेस में देखा गया, बट स्टिल इट इज अ कॉम्पोनेंट, सो यू शुड एक्ट ऑन इट, नॉट सेइंग कि दवा लेनी पड़ेगी, कई सारे डॉक्टर इस पर दवाई दे देते हैं, बट नो, दिस मेटाबॉलिक सिंड्रोम डजंट नीड मेडिसिन, नीड्स लाइफस्टाइल करेक्शन। अगर आप दवाई लेते हैं लाइफस्टाइल करेक्ट नहीं करते, यू आर गोइंग टू गो नोवेयर, कुछ नहीं होने वाला उससे। सो यू व्हाट डू हैव टू डू, क्या करोगे आप, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू लूज वेट बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे आप एक्सरसाइज करो, डाइट करो, भूखे लाओ, टापू पे चले जाओ, आई डोंट केयर, आई मीन यू नीड टू लूज वेट एंड सस्टेन दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि कुछ दिन, एक दिन, दो चार दिन भूखे रह के बस वेट कम कर लिया और फिर जाके वापस पूरा वेट गेन कर लिया, नहीं। सो यू हैव टू सस्टेन दैट वेट लॉस, 7-10% ऑफ योर करंट वेट वो आपको लूज करना है। उसके लिए द बेस्ट वे इज टू रिड्यूस योर कैलोरी इनटेक बाय 500-1000 कैलोरीज पर डे, कम करिए बस, पर डे यानी 1000 कैलोरीज कम कर दीजिए बस, उतना आपने कम कर देना है, या 500 कैलोरी कम कर देना, आपका वजन कम होता जाएगा, एंड दैट वुड बी गुड, एंड स्लोली इंक्रीज योर एक्टिविटी लेवल। सेकेंड, यू हैव टू रिड्यूस योर कोलेस्ट्रॉल बाय ईटिंग हेल्दियर फूड, बाहर का खाना बंद करो, तला हुआ बंद करो, हाई कोलेस्ट्रॉल फूड कम करो, राइट, बाहर का ट्रांस फैट्स एंड ऑल वाला फूड, हाई आर्च में पका हुआ फूड कम करिए, तेल का इस्तेमाल कम करिए, घी बटर मक्खन मलाई कम खाइए, और ब्लड प्रेशर को कम करिए, उसके लिए सॉल्ट कम खाना है, वजन लूज करना है, एक्सरसाइज करना है, और अगर बीपी आपका 140 से ज्यादा रहता है, 140/90, देन यू टेक मेडिसिंस। सो उसके बाद दवाई लेनी है, एक्सरसाइज विल डेफिनेटली हेल्प, 150 मिनट आपको हफ्ते में करना है, एक हफ्ते में 150 मिनट, बहुत ज्यादा नहीं होते 150 मिनट, हफ्ते में, दिन में नहीं कह रहे, हफ्ते में, सोच के देखो, वॉकिंग, एक्सरसाइज, मसल्स, 80% डाइट है, 20% एक्सरसाइज, 150 मिनट वॉक है, एंड देन 80% इज डाइट। ऑब्वियसली भूख लगेगी, भूख बर्दाश्त करनी पड़ेगी, बट हेल्थ के ऊपर थोड़ी है भाई, राइट, सब कुछ थोड़ी मिलता है, सो यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एक्सरसाइजिंग, यू मैक टू मेक श्योर किसी भी प्रकार की, डू वॉन्ट टू डू इंटेंस वर्कआउट, स्विमिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स, जिमिंग, डजेंट मैटर, योगा इज नॉट एक्सरसाइज,
राइट, यू हैव टू डू एटलीस्ट वॉकिंग एंड डू अ लिटिल बिट ऑफ चैलेंजिंग एक्सरसाइज. इफ यू डोंट चैलेंज योर बॉडी विल नॉट चेंज, राइट. एंड अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे बात करके एक्सरसाइज प्रोग्राम लें, उससे बेटर कुछ नहीं है, राइट. सो थिंग्स टू बी डन, वॉट दीज ऑल थिंग्स नीड्स टू बी डन. प्लस यू नीड टू क्विट स्मोकिंग. अगर आप स्मोकिंग करते हो तो उसे छोड़ने का सबसे, बिकॉज ये सारी चीजें प्लस स्मोकिंग आपका रिस्क फैक्टर्स 10 टाइम्स बढ़ा देंगे. सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम कैन हैव, पीपल विथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम कैन इंक्रीज देयर यू नो लॉन्ग टर्म रिस्क अगर आप स्मोकिंग करते हैं, और उनके लॉन्ग टर्म रिस्क बढ़ते जाएंगे जितने साल आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कैटेगरी में रहते हो. तो आप अपने हार्ट अटैक, डायबिटीज, स्ट्रोक, किडनी डिजीज, पुअर ब्लड सप्लाई टू लेग्स, ब्रेन, पुअर ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, ब्रेन इस्कीमिया, इन सब के रिस्क कम करिए. अपने लाइफ स्टाइल पर काम करना शुरू करिए. इफ यू हैव इशूज विद दैट, टॉक टू योर डॉक्टर. इफ यू आर फीलिंग वीक, करेक्ट योर डेफिशियंसीज, तो टेस्ट करवाइए. और इस वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके. दिस इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दीज टाइम. सो प्लीज 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 शेयर दिस वीडियो इफ यू अग्री, एंड प्लीज शेयर योर कमेंट्स बिलो. आपको इनमें से कौन सा रिस्क फैक्टर है, आई नीड टू नो, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन दोज रिस्क फैक्टर्स इन फर्दर डिटेल्स इन द फ्यूचर वीडियो. थैंक यू सो मच. दिस इज डॉक्टर परमजीत. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.